गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पेपर फोर्थ बी के बारे में बात करेंगे। फोर्थ बी पेपर जो है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का, उसके रिगार्डिंग आज हम जो है यहाँ पर जस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर है, क्या नाम है, क्या क्या सिलेबस के अंदर कंटेंट है। आज कल से हम इसके डे बाय डे जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने से क्या बेनिफिट होता है? सिलेबस अगर आपको पहले से पता होता है कि हमने क्या चीज़ करनी है, आपके माइंड में पता होता है कि हमने इतना करना है, तो हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाता है। हम चाहते तो हम आज से ही लेक्चर स्टार्ट कर देते आपको बिना सिलेबस बताए भी नहीं, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि आपके पास सिलेबस की पीडीएफ भी पहुंच जाएगी। क्योंकि देखो, आप ऑफलाइन नहीं चल रही हैं कोविड करके, तो अगर ऑनलाइन चल रही हैं तो उसका पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। तो बेनिफिट कब मिलेगा? जब प्रॉपर वे से हर एक चीज़ आपके पास वो रिप्रेजेंट होगी। आपको इसकी ग्रुप के अंदर इसके सिलेबस की पीडीएफ भी जो है अवेलेबल हो जाती है, और नोट्स जो इसके पीडीएफ जो इसके सिलेबस के हैं वो आप लोग KUK की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। बेटर रहेगा कि आप डाउनलोड ही कर लो, आपको वहाँ पर सिलेबस पेपर वाइज सारे के सारे पेपर्स जो हैं वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पेपर नंबर फोर्थ बी, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। नाम क्या है उसका, मैं रिपीट करने जा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। ये आपका फोर्थ बी पेपर है और इसकी मार्किंग जो है वो 50 मार्क्स की है। 50 को हमने डिवाइड किया हुआ है दो में, 40 + 10। 40 जो है वो आपका पेपर रहेगा, थ्योरी पेपर रहेगा, और 10 मार्क्स की जो है वो असेसमेंट रहेगी। लेकिन पेपर का जो मार्क्स हैं वो 50 ही काउंट होंगे, 40 + 10 के। आपको 40 के लिए पढ़ना है और 10 जो है वो असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। अब 40 के लिए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस में दो यूनिट्स प्रिस्क्राइब हैं, दो यूनिट आपको दे रखी हैं। दो यूनिट में से आपको दो छोटे क्वेश्चन आएंगे और टू आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। जो टू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 4-4 मार्क्स के होंगे, और जो आपको टू लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो आपके पास 16 मार्क्स का होगा। एक यूनिट में से दो क्वेश्चंस होंगे, उन दो क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। यूनिट वन का बताया है मैंने अभी कि टोटल 20 मार्क्स की होगी। 20 मार्क्स की कैसे बनती है कि 16 मार्क्स के आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे, दो क्वेश्चंस आएंगे पहले यूनिट में से, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दो में से एक आपके पास चॉइस है, आप एक क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यूनिट टू की बात आएगी, यूनिट टू में भी सेम ऐसे ही है कि आपके पास पेपर में टू क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड यूनिट। क्लियर? और अब जो पेपर क्वेश्चन नंबर वन होता है उसको हम लोग पेपर में जो है वो कंपलसरी क्वेश्चंस के नाम से आता है। कंपलसरी यूँ, उसके अंदर दो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के, जो कि एक आएगा यूनिट वन से और दूसरा आएगा यूनिट टू से। तो इस तरीके से आपको टोटल टू शॉर्ट क्वेश्चंस और टू लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 मार्क्स के पेपर के लिए। सब पेपर्स का क्राइटेरिया यही सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें कितने यूनिट्स हैं और आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो कितने यूनिट हैं और आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? अब जो है आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, कि यहाँ पर डिसिप्लिनरी नॉलेज की जो है एमरजेंस कहाँ से हुई है। इसके अंदर पहला कंटेंट है मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले मीनिंग करना है, नेचर करना है और टाइप करना है डिसिप्लिन्स का। सेकेंड मेजर पार्ट है इसका रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में इसका जो डिसिप्लिन्स हैं इसका क्या रोल रहेगा, क्यों हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। थर्ड है एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स
फ्रॉम फिलोसोफिकल सोशल एंड पोलिटिकल कंटेंट्स। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन की इमरजेंस है, एडअप है। यहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट को फिलोसोफिकल बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमने यहाँ पर उसको रीड करना है और क्वेश्चन बनाना है। फोर्थ इसका जो टॉपिक है, इमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। आज के हिसाब से बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, हम सारे मेथड्स ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपको शूट करता है, आप दो या तीन उनमें से मेथड आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, फोर्थ पेपर की फर्स्ट यूनिट थी, जिसके अंदर फर्दर फर्स्ट यूनिट के अंदर फोर सब पॉइंट्स हैं जो हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपके पास डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। दो मेजर कंटेंट हैं, एक है करिकुलम और एक है हमारे पास सब्जेक्ट, सिलेबस और करिकुलम दो वर्ड हैं। इन लोगों इन दोनों के अंदर क्या तो रिलेशनशिप है और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, इनको हमने कब और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अब हम सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहला नाम आता है किताबों से, बुक्स से। तो अब जब आप टेक्स्ट बुक्स चूज़ करोगे, मैगजीन्स चूज़ करोगे, जर्नल चूज़ करोगे, तो क्या वो क्राइटेरिया होगा, क्या जो आपके पास सोर्सेज होंगे, किन को देख कर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है। इसका भी पूरा प्रोसीजर होता है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस इन शेपिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल और स्टेट लेवल। अब जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको कौन बना रहा है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, कैसे कैसे वो एजेंसीज जो हैं यहाँ इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, क्या उन एजेंसीज का रोल है, वो एजेंसीज हैं कौन सी जो हमारा सिलेबस, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स, जो हमारा कंटेंट जो है वो फ्रेमवर्क करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं, इन एजेंसीज के बारे में भी हमने जो है वो डिस्कस डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है पैराडिग्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स, सोशल साइंसेस, मैथ साइंस और लैंग्वेजेस। जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स हैं, SST होगी, मैथ्स होगी, साइंस हैं, लैंग्वेजेस हैं जो आपके सिलेबस में भी आती हैं, इनका क्या नेचर है और इनके अंदर क्यों शिफ्टिंग की हुई है, कि किस किस टॉपिक को हमने साइंस के अंदर डाला हुआ है, किन को हम लैंग्वेज बोलते हैं, किन को हम मैथ्स के टर्म बोलते हैं और किन को हम SST या ह्यूमैनिटीज के अंदर हम डालते हैं, ये सारा कुछ जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा सेशनल वर्क रहता है, उसके अंदर क्या आएगा, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ करिकुलम सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट। किसी भी एक स्कूल के किसी भी एक सब्जेक्ट का जो करिकुलम है, जो इसका कंटेंट है सिलेबस के अंदर डाला हुआ है, उसको हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है। उसके बाद है इवेल्युएट करेंगे हम टेक्स्ट बुक को सेकेंडरी क्लासेस की विद रेफरेंस टू इट्स एडिक्वेसी एंड अचीविंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, की क्या वो लर्निंग आउटकम्स दे रही हैं, कौन सी बुक्स हैं जो बनी हुई हैं सेकेंडरी लेवल पर, हमने उन बुक्स टेक्स्ट बुक्स को इवेल्युएट करना है। क्या उन एजेंसीज को हम कोई सजेशंस दे सकते हैं कि हमारी बुक्स अब तक जो है ऐसी बनी हुई हैं, उनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट और चाहिए, कुछ अपडेट हमने उनको करना है, तो वो सारे सजेशंस हैं वो हम यहाँ पर आप सब लोगों से लेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज को हम अपनी फर्दर सजेशंस जो है वो हम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये आज जो है पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस हुआ है कि फोर्थ बी पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ इसके अंदर आया है। होप सिलेबस जो है वो आज आपको सब पूरा का पूरा समझ में आ गया हो।